हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सीढ़ियों की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई सीढ़ियों की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में रुक्मणी नाम की एक जादूगरनी रहती थी। रुक्मणी एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वो अपने जादू की मदद से तरह तरह के आविष्कार करती रहती थी। उसने अपने घर में बहुत सारी अनोखी चीजें बनाकर रखी थी। रुक्मणी एक बहुत अच्छी जादूगरनी थी। वो हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। इस तरह एक दिन रुक्मणी सड़क के किनारे खड़ी होकर बेकार और भूखे लोगों को जादुई लड्डू खिला रही थी। ये लड्डू खाने के बाद तुम्हें एक हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी और तुम्हारा पेट भरा रहेगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी भिखारी खुश हो जाते हैं और रुक्मणी से वो जादुई लड्डू लेकर खा लेते हैं। वहीं पास में खड़ी सपना नाम की लड़की ये सब देख रही होती है। सपना चोरी करके लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाती थी। ये जादूगरनी तो सच में बहुत ही कमाल की है, मैंने ऐसा जादू आज तक नहीं देखा। उसके बाद सपना रुक्मणी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। रुक्मणी का पूरा घर जादुई चीजों से भरा पड़ा था। अरे वाह, यहाँ तो एक से बढ़कर एक जादुई चीजें मौजूद है। तभी रुक्मणी अपनी सहेली जादूगरनी से फोन पर जादुई सीढ़ियां बनाने की बात करने लगती है। सपना रुक्मणी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये जादूगरनी जादुई सीढ़ियां बनाने वाली है। उस दिन के बाद से सपना रुक्मणी पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर कुछ ही दिनों में रुक्मणी जादुई सीढ़ियों को बनाकर तैयार कर लेती है। सपना खिड़की से झांककर उन जादुई सीढ़ियों को देखकर कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी सीढ़ियां हैं। भला ये मेरे किस काम की आएगी? बेकार में मैंने इसके पीछे अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी वो जादूगरनी उन सीढ़ियों को उठाकर घर के बाहर जाती है और उन्हें एक आम के पेड़ के नीचे रख देती है और उन सीढ़ियों के किनारे लगा एक नीला बटन दबा देती है। वो सीढ़ियां विशाल रूप ले लेती हैं और रुक्मणी जादूगरनी उस पर चढ़कर पेड़ पर लगे सारे आम तोड़ लेती है और वापस नीचे उतरकर फिर से वही बटन दबाकर सीढ़ियों को छोटा कर लेती है। ये देख सपना खुश हो जाती है। इन सीढ़ियों की मदद से मैं आसानी से लोगों के घरों में चोरी कर सकती हूँ। रात को जब रुक्मणी जादूगरनी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है, तभी मौका पाकर सपना उस घर में घुसकर वो जादुई सीढ़ियाँ चुराकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन सपना एक अमीर सेठ के घर के पास जाकर दीवार के पास जमीन में सीढ़ियां रख कर उसका बटन दबा देती है और वो सीढ़ियां बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद सपना उस सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से घर के अंदर दाखिल हो जाती है और वहां के सारे पैसे और जेवरात चुरा लेती है। इस तरह सपना लोगों के घरों में चोरी करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अपनी जादुई सीढ़ी चोरी हो जाने की वजह से रुक्मणी जादूगरनी परेशान हो जाती है। अगर मेरी जादुई सीढ़ियां किसी बुरे इंसान के हाथ में पड़ गई तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। रुक्मणी जादूगरनी चोर का पता लगाने के लिए उसकी खोज में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सपना चोरी करके बहुत सारे पैसे जमा कर लेती है और अपने लिए एक नई कार खरीद लेती है। सपना अपनी सभी सहेलियों को रोज कार में बैठाकर घुमाने ले जाया करती थी और साथ ही उनके ऊपर खूब पैसे खर्च करती थी। सपना, आखिर तुम कौन सी नौकरी करती हो जो तुम्हारे पास हमेशा इतने ज्यादा पैसे रहते हैं? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं करती हो? देख सुहानी, तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर।
मैं क्या करती हूँ, पैसे कहाँ से लाती हूँ, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तूने दोबारा इस तरह बेकार की बातें की तो मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगी। नहीं नहीं सपना, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे दोस्ती मत तोड़ना, मैं तो ये मजाक कर रही थी। चल ठीक है, इस बार तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे इस तरह की बातें करने की जरूरत मत करना। इस तरह धीरे धीरे सपना पैसों के घमंड में चूर हो जाती है और अपनी सहेली पर रोब जमाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रुक्मणी जादूगरनी अपनी सहेली तारा के पास जाकर उसे अपनी जादुई सीढ़ी चोरी होने के बारे में बता देती है। तारा, मेरे घर से जादुई सीढ़ियां चोरी हो गई है। तुम अपने जादुई गोले में देखकर मेरी जादुई सीढ़ियों का चोर का पता लगा सकती हो। अभी कुछ दिनों से मेरा जादुई गोला खराब है, मैंने उसे रिपेयरिंग करवाने के लिए जग्गा जादूगर के पास भेजा है। जैसे ही वो वापस आ जाएगा मैं तुम्हारी जादुई सीढ़ियों का पता लगा लूंगी। उसके बाद रुक्मणी वहाँ से चली जाती है। उधर सपना का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, वो शहर में और ज्यादा चोरी करना शुरू कर देती है। रोज रोज शहर में इतनी सारी चोरियां होने से वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे घर की दीवार इतनी ऊंची है लेकिन फिर भी चोर मेरे घर में आकर सारे पैसे और गहने चुरा कर ले गया। अरे तुम्हारे घर की दीवार तो सच में बहुत ऊंची है, इस पर चढ़ना साधारण इंसानों की बस की बात नहीं है। मुझे तो लगता है ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी राक्षस का है। हमारे शहर में इतनी ज्यादा चोरियां हो रही है, इतने सारी चोरियां कोई अकेले नहीं कर सकता। तुम ठीक कहते हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर जल्दी से राक्षस को नहीं पकड़ा गया तो वो हम सबको मारकर खा भी सकता है। इस तरह शहर के लोग उनके घरों में हुई चोरियों के पीछे तरह तरह के कल्पनाएं करने लगते हैं। फिर आखिरकार एक दिन तारा जादूगरनी का जादुई गोला ठीक होकर वापस आ जाता है और वो उसी वक्त अपने जादुई गोले में देखकर रुक्मणी की जादुई सीढ़ियों का पता लगा लेती है और उसे फोन करके सारी बात बता देती है। फिर एक दिन सपना एक घर में चोरी करने जाती है और जादुई सीढ़ियों की मदद से उस घर की बालकनी पर चढ़ जाती है। सपना घर में चोरी करने के बाद नीचे उतरने के लिए जादूगरनी की सीढ़ियों के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ सीढ़ियाँ गायब हो जाती हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया, ये सीढ़ियाँ अचानक कैसे गायब हो गई, अब मैं नीचे कैसे उतरूंगी। उस घर के लोग वहाँ आकर सपना को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ रुक्मणी जादूगरनी आती है। तुमने मेरे घर से जादुई सीढ़ियाँ चुरा कर ठीक नहीं किया, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी और घने जंगल के तहखाने में कैद कर दूंगी। ये सुनकर सपना रोने लगती है और कहती है, नहीं नहीं जादूगरनी आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप मुझसे सुधरने का एक मौका दीजिए, मैं सभी लोगों के पैसे वापस लौटा दूंगी, कभी जिंदगी में चोरी जैसा बुरा काम नहीं करूंगी। रुक्मणी जादूगरनी को सपना पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है। उसके बाद सपना सभी लोगों के पैसे और गहने वापस कर देती है। सुनो सपना, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में आकर रह सकती हो, मुझे असिस्टेंट की जरूरत है। ये सुनकर सपना खुश हो जाती है और रुक्मणी जादूगरनी के साथ काम करने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सपना अपनी नई जिंदगी पाकर खुश हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई सीढ़ियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वाले लोग बुरे जरूर होते हैं, लेकिन हमें रुक्मणी जादूगरनी की तरह उन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।